विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन सिरोंज अनुभागीय अधिकारी को सौंपा, जिसमें बताया कि विदिशा जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक भेदभाव पूर्ण तरीके से श्री काल भैरवनाथ जी महाराज मंदिर नीमताल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन विकास का तर्क दे रहा है। क्या विकास अति प्राचीन मंदिर को तोड़कर हिंदू जन भावनाओं को अपमान करके किया जाएगा? दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि मंदिर के आगे की सारी फर्शियों को तोड़ दिया गया था। उसी दौरान मंदिर में श्री काल भैरव नाथ जी मंदिर और हितकारी हनुमान जी महाराज रामायण मंडल का अखंड रामायण पाठ 7 वर्षों से निरंतर चल रहा है। उसे भी प्रशासन द्वारा कई बार रोकने का प्रयास किया जाता रहा है, जबकि उस क्षेत्र में दो दो वैकल्पिक रास्ते हैं। एक तो नीमताल चौराहे से सीधे नगरपालिका होते हुए तथा माधव उद्यान के बगल से, जिनसे प्रशासन को मार्ग प्रारंभ कर देना चाहिए, और उन दोनों विकल्पों को अनदेखा किया जा रहा है और सिर्फ हिंदू समुदाय के ही धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का कार्य प्रशासन द्वारा कई दिनों बाद किया जा रहा है, जहां पर संपूर्ण जिले में कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अन्य समुदाय व धर्म के लोगों के, जो कि अवैध कब्जा कर मजारे व ढांचे बजरिया व रामलीला क्षेत्र और शहर के आसपास बने हैं, उनकी तरफ देख तक नहीं रही है और वहां प्रशासन की जाने तक की हिम्मत भी नहीं होती है। और शहर के मुखर्जी नगर स्थित मंदिर को तोड़ा गया है। एक और माता मंदिर पीतल मील चौराहा विदिशा को भी तोड़ने का प्रयास शुरू कर रहा है। वहीं बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप तत्काल विदिशा जिला प्रशासन को निर्देश दें कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें तथा उक्त प्राचीन मंदिर को तोड़ने की कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दें, अन्यथा यह उक्त मार्गों को जल्द से जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल संपूर्ण हिंदू समाज के साथ मिलकर जिला प्रशासन के विरोध में उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान जिला सहमंत्री जगदीश शाक के जिला सह संयोजक रिंकू सुमन, प्रखंड अध्यक्ष अनिल राठौर, प्रखंड उपाध्यक्ष अर्जुन प्रखंड एवं साथ ही में मंत्री आदेश बरसरे और प्रखंड संयोजक कलेक्टर सिंह यादव और साथ ही में प्रखंड सह संयोजक प्रदीप राठौर इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित। विदिशा जिले के अंदर नीमताल चौराहे पर, जो कि हिंदू समाज का प्राचीन मंदिर है भैरव पठार जी का, उसको विदिशा प्रशासन द्वारा एक हिंदू समाज से द्वेष पूर्वक हिंदू समाज के मंदिर को तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा संपूर्ण विदिशा जिले के अंदर 1 बजे के बीच सभी जिलों प्रखंड केंद्रों पर ज्ञापन सौंपे गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि जिस विदिशा प्रशासन के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जिस भी अधिकारी द्वारा इस मंदिर के लिए हटाने के आदेश दिए गए थे उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिरोंज से रेवाराम कुशवाहा की रिपोर्ट।